हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक्निकल नरवार। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ MI Note 10 Pro स्मार्टफोन के बारे में, जो कि दोस्तों ये इंडियन मार्केट में 2020 के जनवरी मंथ में लॉन्च हो चुका है। और दोस्तों, Xiaomi की तरफ से इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमम होने वाली है। कम से कम प्राइस में आपको इसके अंदर बेहतरीन फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि इसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ ही आपको 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, एंड क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर, और दोस्तों इसकी काफ़ी बातें देखने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं MI Note 10 Pro स्मार्टफोन के बारे में कि इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है और क्या है इसकी इंडियन प्राइस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिज़ाइन से। तो दोस्तों, इसमें आपको सेम डिज़ाइन तो वैसा ही देखने को मिलेगा जो कि MI के अदर स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिलेगा जो कि ग्लॉसिक डेडियन फिनिशिंग के साथ आएगा, और इसके साथ ही आपको क्वाड कैमरा सेटअप विद डुअल LED फ्लैश डेक देखने को मिल जाएंगी, और बैक साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.53 इंचेस का फुल डिस्प्ले HD प्लस एक सुपर एमुलेट डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाएगा जो कि फुल व्यू डिस्प्ले पैनल होगा, और इसकी पिक्सल डेंसिटी होगी 404 पिक्सल पर इंचेस की, और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड सेल्फी के लिए पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, और इसकी डिस्प्ले स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं इसके कैमराज के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसका मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा। इसमें सोनी का IMX586 का सेंसर यूज़ किया गया है, और इसी के साथ 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लैंगड लेंस, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर एंड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसमें आपको 20x ऑप्टिकल का जूम फीचर भी देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तों इस स्मार्टफोन को और भी ज़्यादा बेस्ट बना देता है, और इसमें आपको बोके मोड में वीडियो शूट करने का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों इसमें आप सेम DSLR की तरह वीडियो को शूट कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके सेल्फी कैमराज के बारे में। तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों देखा जाए तो इसके कैमरे की क्वालिटी का जो परफॉर्मेंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही इसके कैमराज की क्वालिटी भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल लेगी। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। यहीं पर बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी विद फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि दोस्तों 45 वाट के सुपर फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और दोस्तों, हो सकता है आपको बॉक्स के अंदर 45 वाट का सुपर फास्ट चार्जर भी देखने को मिल सकता है। और इसमें आपको टाइप सपोर्ट 3.5 mm ऑडियो जैक एंड फेस अनलॉक जैसे फीचर तो देखने के लिए मिलेंगे ही। अब बात करते हैं इसकी रैमी रेंट के बारे में। तो दोस्तों, ये 2 रैमी रेंट के साथ लॉन्च हुआ है, 6 GB प्लस 128 GB एंड 8 GB प्लस 128 GB, और इसमें आपको 1 TB तक माइक्रो HD कार्ड भी एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इसकी वे ब्रांड की प्राइस होने वाली है अप्रोक्स 25,000 से 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों, देखा जाए तो अराउंड 25,000 रुपीज़ की प्राइस में मिल जाता है 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा एंड क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर। और दोस्तों, इसमें आपको 20x ऑप्टिकल जूम का फीचर एंड वोके मोड में वीडियो शूट करने का फीचर भी इसमें देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि दोस्तों 25 से 27,000 रुपीज़ की प्राइस में आपके लिए स्मार्टफोन एक बेहतरीन स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।